देखेंगे आप कि मोहम्मदाबाद का एक करैल इलाका जो हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और पूरा करैल बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। मोहम्मदाबाद की उपजाऊ भूमि इतने रोजगार पैदा कर सकते हैं कि लोग दूसरे प्रदेशों से आ सकते हैं। आप करैल के इलाके में चले जाइए, समझ में आ जाएगा कि कितना विकास है। हम जब रोड पर निकलते हैं तो पता चलता है कि हमारी गाड़ी कहीं बीच में ही फंस जाती है। ये विकास है 5 सालों का। मैं संजय सिंह कुशवाहा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के घटक दल जन अधिकार पार्टी से मोहम्मदाबाद 378 का विधानसभा प्रत्याशी हूँ। मोहम्मदाबाद विधानसभा जो पिछले 40 सालों से यहाँ जो चुनाव की परिस्थितियाँ रही हैं, लोगों के जेहन में माफियावाद, गुंडावाद, सामंतवाद जेहन में भर दिया गया है, और जितने अब तक जनप्रतिनिधि हुए हैं मोहम्मदाबाद के विकास पर नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे प्रदेश का यदि कोई पिछड़ा विधानसभा है तो मोहम्मदाबाद है। एक तरह से मोहम्मदाबाद विधानसभा उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित विधानसभा रहा है, जो माफियावाद के नाम से, गुंडागर्दी के नाम से और सामंती ताकतों के गुलाम बनाने की प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। मोहम्मदाबाद विधानसभा में विधानसभा जीतने के बाद जनप्रतिनिधि ऐसे गायब होते हैं यहाँ से जैसे आपको कभी नज़र ही नहीं आएंगे। विधानसभा की समस्याओं को उठाने के लिए विधानसभा सत्र जब चलता है तो इनके पास समय नहीं होता है। आज जो मकड़ जाल में फंसा हुआ है समस्याओं के मोहम्मदाबाद, सड़क, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, किसानों की समस्या पर एक नज़र जब डालेंगे तो देखेंगे आप कि मोहम्मदाबाद का एक करैल इलाका जो हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और पूरा करैल बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। फसलें डूब जाती हैं, लोगों का घर से निकलना दुर्भर हो जाता है। गांव 500 ऐसे गांव हैं जो पानी के बाढ़ से घिरे रहते हैं, उनकी समस्याओं को कभी किसी ने विधानसभा में नहीं उठाया। विद्यालय हैं, शिक्षा के मामले में आप देखेंगे तो अभी तक कोई ऐसा यूनिवर्सिटी की बात नहीं आई कि जो उच्च स्तर पर पढ़ाई की व्यवस्था गरीब बच्चों को मोहम्मदाबाद में उपलब्ध हो सके। तमाम मुद्दे हैं, हर मुद्दों पर हम आपको बता दें कि चाहे वो किसान की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो या रोजगार की समस्या हो, रोजगार को लेकर एक बात हम जरूर कहेंगे, मोहम्मदाबाद की उपजाऊ भूमि इतने रोजगार पैदा कर सकते हैं कि लोग दूसरे प्रदेशों से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों के निष्क्रियता के वजह से लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए जिला छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। ये बताइए आप, इससे पहले की जो हमारी विधायिका हैं सत्तारूढ़ पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की विधायिका श्रीमती अलका राय, और उन्होंने चुनाव में उन्हें कामयाबी मिली थी, क्या उन्होंने कोई तरक्की के सिलसिले में कोई काम नहीं किया, क्योंकि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं? आपको बता दें, ये जो चुनाव अलका राय जी जीती थी, ये लोगों के अंदर माफियावाद और गुंडागर्दी का भय पैदा करके जनता के सामने मनोवैज्ञानिक ढंग से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि यह गुंडा है, माफिया है, और सहानुभूति के रूप में चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा कई बार होता है। आपको बता दें कि पूरे मोहम्मदाबाद में कहीं कोई माफियावाद अब नहीं है, न ही कोई गुंडागर्दी है। केवल लोगों के अंदर एक डर पैदा करके वोट लेने का काम किया जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो या भाजपा की पार्टी रही हो। दोनों पार्टियों के लोगों के बीच सामंजस्य है। एक रहस्य आपको बता दें, ये समझौता है कि पूरे मोहम्मदाबाद विधानसभा में यदि कोई विधायक होगा तो दो ही लोग होंगे, या भाजपा से आप एक परिवार को देख लें
या फिर एक दूसरा पता है, लेकिन इस बार मोहम्मदाबाद की जनता ने तय कर लिया है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को मोहम्मदाबाद से चुनाव जीतकर भेजेंगे विधानसभा में, जो वहाँ पहुँचकर केवल शिक्षा, रोजगार, किसानों की समस्या, बिजली, सड़क की बात करेगा, न कि वहाँ गुंडावाद और माफियावाद की बात करेगा। क्या माफियावाद की बात करने से विकास हो जाएगा? विकास तब होगा जब धरातल पर उतरकर काम करने की ज़रूरत है। हम 5 सालों तक केवल माफिया की बात करते हैं, विकास की बात तो कभी किए नहीं। आप करेल के इलाके में चले जाइए, समझ में आ जाएगा कि कितना विकास है। हम जब रोड पर निकलते हैं तो पता चलता है कि हमारी गाड़ी कहीं बीच में ही फंस जाती है। ये विकास है 5 सालों का। हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों की समस्याओं को उठाने की इस बार मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार आम जनता देख चुकी है मेरे घूमने के बाद, यह पता चल गया है लोगों को कि जो कलम से कानून तक का सफर तय किया है वह जनता की निचले स्तर के समस्याओं को अच्छी तरह जानता है। विधायक जी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो जो फार्चूनर से चलता है, 25-16 लाख की गाड़ियों से रोज आप देख रहे होंगे कि कम से कम 20-20 गाड़ियों से चल रहे हैं लोग, या विकास करेंगे? क्या विकास होगा? विकास वह करेगा जो चल के आम जनता के बीच गली गली और घर घर घूमता है और देखता है गाँव में पानी निकासी की, नालियों की क्या समस्या है, तब समझ में आएगा कि विकास क्या है। हम गए फार्चूनर से, एक जगह रुके, 50-100 लोगों को इकट्ठा किए, भाषण दिए, चल दिए। अरे बहस करने को तैयार हो जाइए, आम जनता से सवाल हो, जनता से पूछिए कि मैंने 5 साल में जो किया है उससे कितने संतुष्ट हैं, चाहे वो पूर्व के विधायक हों या वर्तमान विधायक हों। दोनों जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं लोग, विधायक रह चुके हैं, और कहीं किसी मोहल्ले में आप जनसभा कराकर और जनता से आवाज़ उठवा के पूछ लीजिए कि क्या विकास हुआ है, कोई एक शब्द जनता बोलने को तैयार नहीं है। सब लोग कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। तो मोहम्मदाबाद विकास से एकदम अछूता है, लेकिन विधानसभा और लखनऊ में जब नाम आएगा कि मोहम्मदाबाद, तो हॉट सीट बोली जाती है। अरे किस बात की हॉट सीट, किस बात की हॉट सीट भाई, जब यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ, केवल माफिया और गुंडा और सामंतवाद को लेकर आप लड़ाई लड़ते रहो, फिर वोट देते रहिए। नहीं, आप देखिए कि मोहम्मदाबाद में विकास की जहाँ तक है, जनपद गाजीपुर का पहला ट्रामा सेंटर कायम हुआ, बनकर तैयार हुआ। पूरे जनपद के लोग ये चाह रहे थे कि ट्रामा सेंटर मोहम्मदाबाद में नहीं बने, लेकिन जिससे बदनाम किया जाता था, उनकी कोशिशों से, अखिलेश जी की मेहरबानी और उनकी चाहत से ट्रामा सेंटर कायम हुआ। अलबत्त ज़रूर है कि वहाँ पर डॉक्टर का नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, विकास के क्रम में जो भी अच्छा कार्य होगा उसको अच्छा कहा जाएगा। मोहम्मदाबाद में ट्रामा सेंटर बना, इस बात के लिए हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे इस सराहनीय कार्य के लिए। मोहम्मदाबाद हो या गाजीपुर, जो भी शासन सत्ता में रहते हैं, विकास के क्रम में एक कदम आगे बढ़कर उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम विकास के क्रम में एक नया अध्याय जोड़ें। तो मोहम्मदाबाद में ट्रामा सेंटर जो बना है उसके लिए, आम जनता के उपयोग के लिए जो बना है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जब भाजपा सरकार ने 5 साल डॉक्टरों की नहीं उपलब्धता की बात आई है, यह तो शासन सत्ता की गैर जिम्मेदाराना कार्य कहा जाएगा। जी, आप मोहम्मदाबाद के तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं, मैं पुनः पूरी जानना चाहता हूँ कि मोहम्मदाबाद की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। मोहम्मदाबाद की क्या बात करेंगे सर, पूरा गाजीपुर किसी भी क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है जी। गड्ढा मुक्त उनको नहीं पता चलेगा ना जो फार्चूनर गाड़ियों और फोर चरपहिया गाड़ियों से चलता है जी। साइकिल से चल दीजिए, नई साइकिल ले लीजिए, नट बल्ट उखड़ कर बाहर हो जाएंगे, मोटरसाइकिल ले लीजिए,
पता चला कि रास्ते में ही फंस जाएंगे। कहीं भी मोहम्मदाबाद का एक ऐसा रोड नहीं होगा जो मुख्य मार्ग छोड़ के, मुख्य मार्ग अभी नए नए बने हैं लेकिन फिर भी मोहम्मदाबाद से करीमदीनपुर रोड आप निकल जाइए, करैल बालापुर वाला रोड निकल जाइए, देख लीजिए क्या हालत है। पता चलता है कि गांव के लोग ईटा डाल डाल कर वहाँ किसी तरह चलने लायक बनाते हैं। नदियाँ बह रही होती हैं, नदियाँ जो कि गर्मी के दिनों में सड़कों पर नदियाँ बह रही हैं, यह विकास का नहीं है। यह लोगों को भ्रम में, मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाकर कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मोहम्मदाबाद में 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। खासतौर एक सवाल बताइए कि आप मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और आप जिसके मुकाबले में चुनाव लड़ रहे हैं श्रीमती अलका राय का घर जो पड़ता है गड़रू, लेकिन आप वहाँ भी गए होंगे, उस रास्ते की क्या हालत है? सर रास्ता मैंने फिर आपको एक बार बताया ही है कि मोहम्मदाबाद की सड़कों की हालत खस्ताहाल है। इसके पीछे कारण भी हैं। हम लोग खबरें कई छाप चुके हैं, दरअसल मैं मीडिया से हूँ और पत्रकार हूँ तो मैं कई ऐसी खबरें छाप चुका हूँ कि मोहम्मदाबाद या जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी में कमीशनबाजी बहुत ज़बरदस्त होती है और जो सड़कें जब कोई कमीशन लेकर काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से मानक के अनुरूप कार्य नहीं होगा और कार्य नहीं होगा तो वो सड़कें खराब हो जाएंगी। यह प्रक्रिया बहुत समय से चली आ रही है कि जनप्रतिनिधि, अब चर्चाओं में भी आता होगा कि जनप्रतिनिधि काम या ठीका तभी देते हैं जब उनको कमीशन दिया जाता है, यह किसी से छुपा नहीं है। अधिकारी वर्ग भी मानता है, दबे जुबानों से अधिकारी कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी है ठेकेदार के सामने कि वो 10% कमीशन देता है। इसलिए सड़कों की हालत आज भी दयनीय है। कारण है कि मानक के अनुरूप नहीं बन रहा है। मैं चैलेंज करता हूं मोहम्मदाबाद में कोई भी ऐसा सड़क बनाओ और मानक के अनुरूप आप जांच कराकर देख लीजिए क्या है। अभी बताइए हमको आप कि क्या आपकी पार्टी भागीदारी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर देगी? मोहम्मदाबाद सत्ता में आने के बाद हमारा जो पहला उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या ठेकेदारी प्रथा के क्षेत्र में हो, हमको यह है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप भाजपा की सरकार में देख लीजिए, एक वर्ग खास के लोगों की ठेकेदारी चलती है। सपा की सरकार में देख लीजिए, एक खास वर्ग के लोगों की ठेकेदारी चलती है। ठेकेदारी, ठेकेदारों का तो कोई मजहब नहीं है, न कोई धर्म नहीं है। जो सपा में ठेकेदार है वो भाजपा में ठेकेदार है, भाजपा में ठेकेदार जो है वही बसपा में ठेकेदार है। ठेकेदारों की धर्म नहीं होती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी एक नया वसूल, एक नया तरीका देना चाहती है उत्तर प्रदेश में, तो क्या आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, आ जाए, जब आए तो क्या ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके गवर्नमेंट एम्प्लाइज के माध्यम से वो सड़कों का निर्माण या बिल्डिंगों का निर्माण करना चाहेगी? देखिए, हम पूरा प्रयास करेंगे जी। हमारा प्रयास होगा जी कि ये ठेकेदारी प्रथा को कम किया जाए। और जो पहले प्रयास था कि लोक निर्माण विभाग में सरकारी कर्मचारी मेट हुआ करते थे, कर्मचारी हुआ करते थे, वो कार्य करते थे और सड़कें इतनी खराब नहीं होती थी, उस प्रयास को हम लोग फिर से दोबारा लाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के संबंध में आपका क्या काम होगा? शिक्षा में एक समान शिक्षा व्यवस्था की कानून हम लोग लाएंगे कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले। पुस्तकें जो अलग अलग हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो, सीबीएसई बोर्ड की हो, एक समान शिक्षा सबको मिले, चाहे वो बड़े घर का हो या छोटे घर का। गरीब बच्चा भी वही पुस्तक पढ़ेगा जो अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी शिक्षा के मामले में प्लान है कि शासन सत्ता में जिस दिन आएंगे उस दिन एक समान कानून, शिक्षा व्यवस्था का कानून लाएंगे।
आपके मुख्य पांच चीज़ें बताएं हमको आप, कि आपकी पार्टी की क्या मुख्य पांच चीज़ें हैं। देखिए, पहला है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, शिक्षा में समान शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी दूर करना, रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से लोगों को निजात दिलाना, बिजली कम दर पर उपलब्ध कराना, यह हम लोगों की प्रमुखता में है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।